Those in favor of the draft resolution contained in document S/2024/254, please raise their hand. The result of the voting is as follows. 14 votes in favor, 0 vote against, 1 abstention. The draft resolution has been adopted. सलामती काउंसिल ने गजा में फौरी जंगबंदी की करारदाद मंजूर कर ली। सलामती काउंसिल के 15 में से 14 अरकान ने करारदाद की हिमायत की। अमेरिका ने गजा में जंगबंदी की करारदाद पर वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। करारदाद में यरगमालियों की गैर मशरूत रिहाई और गजा में बिला रुकावट इमदाद की रसाई का मुतालबा। वोटिंग से चंद मिनट पहले अमेरिका ने करारदाद में मुस्तकिल जंगबंदी के अल्फाज को तवील जंगबंदी में तब्दील करा दिया। फौरी जंगबंदी की करारदाद सलामती काउंसिल के 10 रुकन ममालिक ने पेश की। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का करारदाद मंजूरी का खैर मकदम। करारदाद पर फौरी अमल होना चाहिए, नाकामी नाकाबिले मुआफ़ी होगी। 4 नाकाम कोशिशों के बाद गजा जंग बंदी के लिए करारदाद मंजूर की गई। एंटोनियो गुतेरेस का रद्द अमल, गजा में मुस्तकिल जंग बंदी चाहते हैं। फलस्तीनी वजारत खारजा हमास का भी सलामती काउंसिल की करारदाद का खैर मकदम किया गया। मुस्तकिल जंग बंदी तक पहुँचने की ज़रूरत पर जोर। इसराइल ने गजा में कत्लेआम फिर तेज कर दिया। दिरुल बलाह में घर पर हमला, 22 फलस्तीनी शहीद हो गए। रफा में 7 घरों पर बम बरसात किए गए, 27 अजाने चली गईं। अशिफा हॉस्पिटल के नज़दीक फजाई हमले में मुतादद फलस्तीनी शहीद। इसराइली हमलों में शहदा की तादाद 32,333 हो गई, 74,694 जख्मी हो चुके। इससे होने फोर्सेज ने अलशिफा समेत 3 हस्पतालों का घेराव कर लिया। इसराइल और हमास में जंगबंदी पर डेडलॉक बरकरार। नेतन्याहू इंतजामिया ने जंग खत्म करने और गजा से फौजें निकालने का मुतालबा मुस्तरद कर दिया। गजा में जारी इसराइली मुजालिम के खिलाफ उर्दन के शहरी सड़कों पर आ गए सैकड़ों अफराद की शिरकत। मुजाहरीन की इसराइली सफारत खाने की जानब मार्च की कोशिश। मुजाहरीन को मुंतशिर करने के लिए पुलिस का आंसू गैस का इस्तेमाल। पुलिस ने खवातीन समेत मुतादद मुजाहरीन को गिरफ्तार कर लिया। बच्चे के डाकू बेलगाम शिकारपुर से 7 साल बच्चे को अगवा कर लिया गया। अहले खाना से 50 लाख रुपए तवान का मुतालबा। गरीब हैं, तवान की अदायगी के पैसे नहीं। वज़ीर आला से बच्चे के अगवा का नोटिस लें। वर्षा की दुहाई, रेंजर्स का कनकोट में कच्चे के इलाके में ऑपरेशन। 3 मुश्तबा मुलजमान गिरफ्तार। गिरफ्तार मुलजमान में ननवानी गैंग का सरगना भी शामिल। गैंग की 15 से ज़्यादा पनागाहें खत्म कर दी गईं। उधर उजाम में डाकू के खिलाफ ऑपरेशन। इलाके में खौफ की अलामत समझे जाने वाले 55 अफराद ने हथियार डाल दिए, जबकि हथियार डालने वालों का ताल्लुक बन्नू और फयाज दुलानी गैंग से बताया जा रहा है। पाबंदी के बावजूद खूनी खेल जारी। सियालकोट में डोर फिरने से नौजवान शदीद जख्मी, अजीज को हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। फैसलाबाद में भी पतंग की डोर फिरने से एक और नौजवान जख्मी हो गया। समुंदरी में कासिम रोड का रहायशी नौजवान गले में डोर फिरने से जख्मी हुआ। मियांवाली में कमसिन बच्चे के गले पर डोर फिरने का मुकदमा दर्ज। असगर नामी पतंग फरोश गिरफ्तार। फुटेज की मदद से जो 37 कैमराज मुख्तलिफ देखे हमने, हमें ये क्लू मिला और फिर उसको जब ह्यूमन रिसोर्स तक हमने टैली किया तो हमें पता लगा कि साथ ही एक मौजूद बिल्डिंग थी जिसपे जो है बैंक ऑफ पंजाब की बिल्डिंग है, उस तरफ से कोई काइट फ्लाइंग हो रही थी। तो जब हमने रेड किया तो वहाँ हमें कुछ रेजिड्यू और रेमिनेंट्स नजर आए कुछ जली हुई चीज़ों के, और हमने उस जगह के मालिक जो कि आबिद नामी एक आदमी है, हमने उसको अपने इस तफ्तीश के दायरा कार में नैरो डाउन किया। बाद में उनका अपना जो कन्फेशन है इस पर आ गया। डोर फिरने से नौजवान आसिफ की हलाकत केस में अहम पेशरव। पुलिस ने वाकये में मुलव्वस मुश्तबा मुलजिम आबिद को हिरासत में ले लिया। जाय वकुआ के करीब रंग इमारत की छत से जुड़ा हुआ पतंगसाजी का सामान बरामद। मुलजिम आबिद का दौरान तफ्तीश पतंगबाजी का एतराफ़। इमारत के मालिक आबिद को हिरासत में लेकर तहकीकात का आगाज कर दिया। मुलजिम ने CCTV रिकॉर्ड का गुज़श्ता 2 दिन का डेटा भी गायब कर दिया था। पुलिस ने तकनीकी वसायल को बुरोए कार लाते हुए केस की तफ्तीश की। CPO मोहम्मद अली ज़िया की गुफ्तगू।
ज़ेराला पंजाब मरियम नवाज और कायदून लीग नवाज शरीफ का फैसलाबाद का दौरा, पतंकी डोर से जान भाग नौजवान आसिफ के घर आमद, अहले खाना से इजहार ताज़ियत। आसिफ इशवाक की वफात पर गहरे रंज और दुख का इजहार। मरियम नवाज ने मरहूम की वालिदा को गले लगाकर तसल्ली दी। सब मिलकर इस जुर्म को रोकेंगे, खौफनाक वीडियो देखी नहीं जाती। नवाज शरीफ की गुफ्तगु, आसिफ की दर्दनाक मौत पूरे माशरे के लिए लम्हा फिक्रिया है। पतंगबाजी तफरी नहीं, खूनी खेल बन चुका है। वालिदैन अपने बच्चों को पतंगबाजी से रोकने की समाजी जिम्मेदारी पूरी करें। धाती तार बनाने, बेचने और ख़रीदने पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मरियम नवाज की गुफ्तगु, वज़ीर आला पंजाब की फैसलाबाद में जहरीली गैस से जांभक वासा मुलाजमीन के घर भी आमद, लवाहिकीन से मुलाकात की। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और नवाज शरीफ की ज़ेरे सदारत आला सतह का इजलास, सिटी सदर नून लीग शेख एजाज ने शिकायत के अंबार लगा दिए। टिकट होल्डर्स की गफलत के बायस फैसलाबाद में नून लीग को शिकस्त हुई। मकामी कायदीन पार्टी तंजीम को अहमियत नहीं देते, शेख एजाज का शिकवा, शेख साहब अब जाने दें। नवाज शरीफ का शेख एजाज को जवाब, इजलास में फैसलाबाद के लिए तरक्याती मनसूबों पर भी तबादला ख्याल। गैस की कीमत में इजाफा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बरहम। ओगरा और गैस कंपनियों की कारकर्दगी का जायजा लेने का फैसला। वज़ीर आज़म के वज़ारत तवानाई को 3 माह में 16 टास्क मुकम्मल करने के अहकाम। 1 माह में गैस की कीमतों में हालिया इजाफे के फोरेंसिक ऑडिट की रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। 3 माह में गैस इंफ्रास्ट्रक्चर चोरी और नाकिस कारकर्दगी की रिपोर्ट देने की हिदायत। ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन मनसूबे की मॉनिटरिंग के लिए फौरी बैन अल वज़ारती कमीशन कायम करने की भी हिदायत। के अंदर ये एक इम्प्रेशन जा रहा है कि आज गालबन कोई नई कीमतों का ऐलान होगा। इसका इतलाक 1 जुलाई से होगा। डज नॉट मीन कि जो नंबर्स कोट किए गए हैं पिटिशन के अंदर, जो कि जाहिर है अब पब्लिक डोमेन में भी वो नंबर मौजूद हैं, वो मनोअन वैसे ही अप्रूव हो जाएंगे। ज़रूरी नहीं है कि यह कीमत उतनी ही बढ़ जाए, हो सकता है कुछ कमी भी हो सकती है, क्योंकि हम जब इसको एनालाइज करते हैं तो बहुत सारी डायमेंशंस जो हैं वो देखी जाती हैं। महंगाई तले दबे आवाम पर मजीद बोझ डालने की तैयारियां। चेयरमैन ओगरा का 1 जुलाई से गैस मजीद महंगी करने का इंडिया। गैस की कीमत में इजाफे के लिए सुई नॉर्दर्न की दरख्वास्त पर समाप्त। तमाम स्टेक होल्डर्स ने कीमत में इजाफे की मुखालफत कर दी। गैस की कीमतों में कितना इजाफा होगा, फैसला महफूज। सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी ने गैस की कीमत में 155% इजाफा मांगा था। ज़रूरी नहीं कि सारा इजाफा करें, ये तासर दुरुस्त नहीं कि IMF के दबाव पर गैस की कीमत बढ़ाई जा रही है। कंपनीज के अखराजात और सरकुलर डेट बढ़ने की वजह से दरख्वास्त आई। मुल्क में सालाना बुनियादों पर गैस में कमी हो रही है, हमें एहतियात बरतना होगी, चेयरमैन ओगरा। सनअतकार मुजवजा इजाफे पर फट पड़े, पहले ही गैस 200 गुना महंगी है। आम आदमी और सनअतकार गैस का बिल देने के काबिल नहीं, स्टेक होल्डर्स।